नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारे मेथड को लेकर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है या कौन से मेथड के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। मगर जब हम फाइनली बात करते हैं रेमेडीज की, क्योंकि प्रेडिक्शन आप किसी भी मेथड के थ्रू इजीली दे सकते हैं, मगर जब बात आती है कि करना क्या है, क्या जो चीजें हमारी ठीक नहीं चल रही हैं उनको हम ठीक रख सकते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ आंसर मिलेगा लाल किताब में। क्यों? क्योंकि हमारे जितने मेथड हैं, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर पराशर ज्योतिष, जिसके बारे में लगभग लगभग सभी लोग थोड़ा बहुत अपडेट जरूर रहते हैं, किसी को ज्यादा नॉलेज है, किसी को कम नॉलेज है, मगर कुछ ना कुछ नॉलेज अवश्य है। तो वो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये इतनी डिग्री पे है, ये उस भाव में चला गया, आपका ये उच्च का है, ये नीच का है, आपका मेरी कुंडली के अंदर नीच भंग राजयोग बना हुआ है, मालवीय योग बना हुआ है, शेष योग बना हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के रहते हैं। ये प्रश्न सारे के सारे कभी मेरे मन में भी रहा करते थे। स्टार्टिंग मैंने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से करी, जो सबको ही समझनी जरूरी है, मगर वो एक तरह का समुद्र है। उसमें आप जितना डीप चले जाएंगे, आपको हमेशा एक कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होगी, क्योंकि आप एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन नहीं दे पाएंगे। और जितनी एक्यूरेसी आपके प्रेडिक्शन में बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। नॉर्मली जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसका सही नाम नहीं है, उसका नाम है पराशर एस्ट्रोलॉजी, यानी कि पराशर ज्योतिष। पराशर ज्योतिष की जब बात करते हैं, तो पराशर ऋषि द्वारा ये कई हजार वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत की गई थी। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से ज्योतिष शास्त्र की रचना करी। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग मेथड निकल के आए, अलग अलग ऋषि मुनियों ने अपने अपने समय पर इनकी रचना करी। ऑल आर एक्सीलेंट, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, जैमिनी पद्धति, और बहुत बाद में आई है जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट है, उसको कह सकते हैं लाल किताब। लाल किताब को लेके बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, और लोगों को बात जिसके समझ में नहीं आई वो इसको के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा। जिसको समझ में आ गई एक बार, वो इसके अलावा कहीं और जाएगा नहीं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने हमारे एंशियंट मेथड हैं, जैसे हम पराशर ज्योतिष की बात करते हैं, तो नो डाउट अल्टीमेट है, एक्सीलेंट है, बहुत अच्छे से काम करता है। मगर वहां पर जब हम बात करते हैं कि फाइनली अब परेशानी बहुत ज्यादा है, तो उसको ठीक करने के लिए करना क्या है, तो वहां पर सिंपली उन्होंने मंत्र जाप, यानी कि आप मंत्रों का उच्चारण कीजिए। और लोग बाग नॉर्मली अपनी लाइफ के अंदर कि मैं जब बात करता हूँ तो बोलते हैं कि मैं रोजाना 4 माला, 2 माला, 6 माला ये जाप करता हूँ, इन स्तोत्रों का पाठ करता हूँ, मगर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे कारण ये है कि मंत्र उच्चारण अपने आप में एक टेक्निक है जो निश्चित तौर पर काम करती है, मगर आज के समय में हमारे में से शायद ही कोई उस टेक्निक का यूज करना जानता है कि मंत्र उच्चारण किया कैसे जाए। पुराने समय में अगर हम बात करते हैं राजा महाराजों की, तो वो इस टेक्निक का यूज करना जानते थे। और कैसे जानते थे? उनके एक गुरु हुआ करते थे जो उनको इस चीज की दीक्षा दिया करते थे। तो उस अपने गुरु के माध्यम से उन मंत्रों के उच्चारण के थ्रू वो भगवान से कनेक्ट हुआ करते थे और उनसे वरदान वगैरह प्राप्त करा करते थे। तो ये सारी बातें अपने आप में पूर्णतः सत्य हैं, मगर हम उसकी गहराई में ना जाके सिंपल मंत्र जाप करना स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका तो किसी को बहुत ज्यादा बीमारी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास कोई जाएगा कब, जब उसको किसी न किसी प्रकार की परेशानी होगी। तो जब वो जाएगा तो उसको क्या रेमेडी बताई जाती है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा ले। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, उसके लिए आप जा रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लें। मेरे भी कई सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं या नॉन हैं, तो उनके लाइफ में भी ये सब चीज़ें हुई हैं, तो उन्होंने जाप करवाया। अब व्यक्ति जो है वो वेंटिलेटर पर था, जाप कराया, हुआ कुछ नहीं, डेथ हो गई। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जन्म और मृत्यु ये तो तय है, इसमें आप किसी मेथड से कोई संशोधन नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। मगर ये तय है कि इसके बीच की जो हमारी डेस्टिनी है उसको हम निश्चित तौर पर चेंज कर सकते हैं। अब ये चेंज कर सकते हैं, इसके लिए करना क्या होगा? तो इसके लिए आज के समय में
लोगों के पास इतना समय नहीं है, बिजी शेड्यूल है, सुबह जाना रात को आना, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर सके, और उससे फिर लाभ भी नहीं होता दिखाई देता। तो कारण क्या है कि सही टेक्निक नहीं मालूम। तो करें क्या, आज के समय में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा लाल किताब पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि उसके अंदर रेमेडियल जो पार्ट है वो काफी ज्यादा एक्सीलेंट तरीके से डिफाइन किया गया है। अगर उसके रेमेडियल पार्ट को तरीके से समझ लिया जाए वो क्या कहती है और कैसे उस रेमेडी को करना है, क्योंकि 90% एस्ट्रोलॉजर, मैं इस बात को श्योरिटी के साथ कहता हूं कि 90% एस्ट्रोलॉजर नहीं जानते कि रेमेडी करनी कैसे है। मैंने बहुत जगह इन चीजों को देखा है कि लोगों को लाल किताब के बारे में कुछ नहीं पता, मगर लाल किताब उनके पास होगी अवश्य। कौन सी होगी? किसी के पास इतनी मोटी किताब होगी, किसी के पास छोटी सी किताब होगी। अब ये कहाँ से ली है? ये किसी बुक स्टॉल से ले ली, या स्टेशन पे जो बुक स्टॉल होते हैं वहां से बाय कर ली, उसमें लाल किताब के टोटके उपाय वगैरह ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये सब कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये करने से आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। अब ये बात कई बार अलग है कि किसी आप ज्योतिषाचार्य के पास गए या पंडित जी के पास गए और उन्होंने आपको कोई उपाय बताया जो लाल किताब का ही है और उससे आपको आराम आ गया। अब वो हो सकता है आपके वर्ष फल के अकॉर्डिंग जो उपाय बताया उन्होंने, उपाय उन्होंने वैसे ही देख के बता दिया, मगर वो बाय डिफॉल्ट आपका एक जो तीर है वो गलती से सही निशाने पर लग गया, तो आप बड़े खुश हुए कि उन्होंने ये उपाय कराया था और मुझे बड़ी जल्दी आराम मिल गया। मगर वो रेमेडी जो है हमेशा आपको फायदा नहीं करेगी, क्योंकि तीर हमेशा सही निशाने पर लगे ये जरूरी नहीं है। तो आपको समझना ये होगा कि उपाय काम करते कैसे हैं। अब लाल किताब की जब बात करते हैं तो लाल किताब हालांकि बहुत बाद में आई, सन 1939 से लेकर 1952 तक के बीच में इसके 4 एडिशन लिखे गए, मगर ये किताब बहुत पहले से हमारे प्रचलन में रही है, क्योंकि इस किताब के अंदर जितनी भी चीजें बताई गई हैं, सर पे कैप ढकना यानी कि वाइट रंग से अपने सर को ढककर रखना, तो सर पे टोपी पहनना हमारी प्राचीन परंपरा का पार्ट है। अगर हमारे पुराने जो लोग हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, पुराने समय में सर पे कोई ना कोई टोपी पहनने की एक परंपरा प्रथा थी। इसी के साथ मंगलवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की परंपरा, अब ये बहुत पुरानी है, हमें पता नहीं है क्यों चढ़ाते हैं, बाकी और डेज भी तो भगवान के हैं, सोमवार भी है, मंगलवार है, बुधवार है, सारे के सारे किसी न किसी भगवान से कनेक्टेड हैं, किसी न किसी ग्रह से कनेक्टेड हैं। केवल मंगलवार को ही क्यों सिलेक्ट किया गया, इसका क्या लॉजिक है? तीसरा, हमारे जितने भी धर्म बनाए गए हैं उसके अंदर कोई ना कोई चीज को धर्म से जोड़ के दिया गया ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इसका लाभ उठा सके, कि जैसे पीपल की सेवा करना। अब लोगों को ये नहीं पता है कि पीपल की सेवा करनी क्यों है। ठीक है, कर रहे हैं, 7:30 चल रही है और किसी अनसिखी है ज्योतिष के पास जाते हैं तो नॉर्मली डराने के लिए शनि राहु ये 2 प्लैनेट काफी हैं। तो आपको एस्ट्रोलॉजी को यूज कैसे करना है इसको समझना होगा। ज्योतिष का अगर सही इस्तेमाल करना कोई व्यक्ति सीख जाता है तो निश्चित तौर पर वो अपने लाइफ में 50-60 साल की उम्र में जहां स्टैंड करता है उससे कम 100 गुना ज्यादा आगे जा सकता है। नॉर्मली होता क्या है कि हम ज्योतिष का या अपनी हॉरोस्कोप का प्रयोग करते कैसे हैं कि बच्चा पैदा हुआ, कुंडली बनवाई, बनवा के पंडित जी उसके बारे में पूछ लिया, उन्होंने 4 लाइन लिख के दे दी कि बच्चा ऐसा करेगा वैसा करेगा, खुश हो गए, दक्षिणा दी, घर आ गए। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी शादी के टाइम पे निकाली और जब कोई घटना घट गई कि पता लगा तलाक हो गया या बहुत झगड़े हो रहे हैं तो दोबारा ज्योतिष के पास पहुंच गए। ये नॉर्मली चलता है सभी जगह, मगर अगर आप समय रहते अपने चार्ट को समझ लें तो निश्चित तौर पर आप जो चीजें जीवन में फेस कर रहे होते हैं उनको रोक सकते हैं, ये तय है। इसके लिए मैं श्योर हूं, क्योंकि ये चीजें मैंने प्रैक्टिकली सब चीजें चेक करी हैं, देखी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी ये मेथड हैं, पराशर है, नाड़ी है, केपी है, जेमिनी है, इट इज जस्ट लाइक ए आपका आयुर्वेदा पद्धति। कि आयुर्वेद पद्धति के बारे में हम सभी को पता है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से काम करती है,
मगर मुझे आप एक बात बताइए कि अगर आपके अचानक सर में, पेट में किसी प्रकार की तकलीफ हो या बहुत तेज एकदम बुखार उखार आ जाए, ना टूट रहा हो, तो करेंगे क्या? आप कभी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर पर जाएंगे? 95% लोग जितनी ज्यादा बड़ी तकलीफ होगी तुरंत एलोपैथी वाले के पास ही जाएंगे, चाहे बेशक होम्योपैथी पसंद करते हो या आयुर्वेदिक पसंद करते हो। क्यों जाएंगे? क्योंकि इमीडिएट रिलीफ चाहिए। सामने वाला तड़फ रहा है, अब उसके तड़फने को ठीक कैसे करना है? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कोई इंजेक्शन वगैरह लगाओ, इसको आराम आ जाए। तो यहां पर लाल किताब के अंदर जो उपाय बताए गए हैं उनको अगर सही टेक्निक से कर लिया जाए जैसे बताया जा रहा है तो एकदम इमीडिएट रिलीफ देते हैं। ये बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकली करके देखा है और उनका रिप्लाई आया कि यस इट विल वर्क। तो कैसे काम करता है हमें उस बात को समझना है। जब हम प्राचर ज्योतिष की बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट गोचर पे डिपेंड करता है कि आपका लगन चार्ट क्या कह रहा है और आपका गोचर क्या कह रहा है, दोनों को कनेक्ट करके आपने चेक करना है। यू कैन एनालाइज कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन नेक्स्ट फ्यू डेज या नेक्स्ट फ्यू वीक। बट बात यह आती है कि कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है तो उसको ठीक करने के लिए, रोकने के लिए करना क्या है? देयर इज नो आंसर। पूजा पाठ कीजिए, सूर्य को जल दे दीजिए, मंदिर चले जाइए। अब ये सब सारे काम हम सभी करते हैं, हमें फिर प्रॉब्लम आती क्यों है? तो समझना क्या होता है, लाल किताब का कॉन्सेप्ट किस पे काम करता है। आपका लगन चार्ट चेक कीजिए और अपना वर्षफल। लगन चार्ट क्या कहता है कि लॉन्ग लाइफ आपको क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने हैं। क्योंकि लाल किताब के अकॉर्डिंग जब हम अपने लगन चार्ट को कंसिडर करते हैं तो आपको समझना यह है कि हमें आजीवन ये काम, मतलब कुछ काम नहीं करने हैं और कुछ काम करने हैं, ज्यादा करने हैं। किसी को दान देना बहुत शुभ परिणाम देगा तो किसी को धर्म स्थान का प्रसाद खाना नुकसान देगा। किसी को अननेसेसरी लोगों की भलाई करना, धार्मिक अपने वर्किंग प्लेस पर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना परेशानी का कारण देगा। तो उसके लॉजिक क्या है, क्यों ये बात कही गई है, इन लॉजिक को समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि कॉन्सेप्ट टिपिकल है, इतना आसान नहीं है, मगर हमने पिछले अपने जितनी वीडियोस बनाई हैं उन सभी के अंदर पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। और मोस्ट ऑफ लोग जो लगातार वीडियोस को देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर इतना तो एक्सपर्ट जरूर हो गए होंगे कि जब वो किसी के सामने बैठ के बात करें तो नो डाउट सामने वाला उनका बेवकूफ़ नहीं बना सकता और वो अपनी दो चार बातों सामने वाले की बोलती अवश्य बंद कर देंगे। तो आपको समझना यह है कि एस्ट्रोलॉजी जीवन में काम कैसे करेगी, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसका आंसर क्या है, उसका इस्तेमाल हमें हर वक्त करना है, हर साल करना है। वैसे तो हमारी वर्षफल कुंडली भी होती है, महीना कुंडली भी होती है, सप्ताह की कुंडली भी होती है, दिन की कुंडली भी होती है, मगर हमें इतना डीप नहीं जाना है कि सारा दिन एस्ट्रोलॉजी में दिमाग लगा के रखना है। नो, सिंपली इस साल हमारा क्या कह रहा है, वर्षफल क्या कह रहा है। वर्षफल आपके जो बर्थडे से स्टार्ट हुआ वो आपका नया साल है, नेक्स्ट बर्थडे पे जाके खत्म होगा। ये आपका एक साल का जो टाइम पीरियड है, दिस इज योर न्यू ईयर। आपका नया साल आपके जन्मदिन स्टार्ट होने से लगभग 30 दिन पहले, 40 दिन पहले अपना गुड और बैड इंपैक्ट देना स्टार्ट कर देता है। उस साल कौन से प्लैनेट आपके शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं, इस बात को समझना होगा। वर्ष फल के ऊपर भी हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं, फर्स्ट हाउस को लेके। जब आप उसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्ष फल काम कैसे करता है। जो प्लैनेट आपके लगन कुंडली के अंदर खराब हैं, वर्ष फल के अंदर अगर वो खराब हाउसेस में आ गए या खराब हुए तो बहुत ज्यादा खराब परिणाम देंगे। किस साल देंगे, किस टाइम देंगे, कौन से मंथ में देंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पर अलग से वीडियो बना देंगे। क्योंकि यहां पर अभी समझाएंगे तो थोड़ा सा वही टॉपिक 20-25 मिनट का हो जाएगा। तो यहां पर आप उसको इजिली समझ सकते हैं कि इस मंथ में यह घटना घटेगी। करना क्या है, हमने वर्ष फल के स्टार्टिंग में ये काम नहीं करने और ये रेमेडी परफॉर्म कर लेनी है। सिंपल, बहुत ज्यादा रेमेडीज की आवश्यकता नहीं है। रेमेडीज केवल दो चार ही करनी होती है
और वो भी समझना होता है कि कब करनी है, कौन सी वन टाइम करनी है और कौन सी आप पूरे साल करनी है। सिंपल अगर इस बात को समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आप चीजों को अच्छे से मैनेज कर लेंगे और लाइफ में अच्छी खासी ग्रोथ ले लेंगे। होता क्या है कि जब हम बात करते हैं, हम बहुत सारे चार्ट आते हैं जब वर्षफल के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो मान लिया किसी का सैटर्न, आपको एग्जांपल देते हैं कि किसी का सैटर्न सिक्स हाउस में आ गया। अब सिक्स हाउस में सैटर्न आ गया तो सिक्स हाउस का सैटर्न का जो प्लेसमेंट है वो अच्छा नहीं माना है, शुभ परिणाम नहीं देता है। अब सिक्स हाउस में सैटर्न आया तो केवल आपको ये बात ध्यान रखना है कि इस साल आपने किसी से जूते नहीं, मतलब जूते बाय नहीं करने, शूज बाय नहीं करने और किसी से लेदर की कोई चीज गिफ्ट नहीं लेनी, क्योंकि उस साल होगा कि लेदर की कोई ना कोई चीज गिफ्ट आएगी जरूर और आप कोई ना कोई लेदर की चीज बाय जरूर करेंगे। नॉर्मली शूज ही बाय होते हैं, बहुत सारे चार्ट में देखा है कि शूज बाय होते हैं, क्योंकि जो लोग स्टार्टिंग में पूछ लेते हैं उनको तो मैं एडवाइस कर देता हूँ कि इसका ये साल ही नहीं करने, मगर जो लोग फर्स्ट टाइम कंसल्टेशन लेते हैं या उनका मिड सेशन चल रहा होता है कि अभी वर्षफल निकले हुए 6 महीने हो गए और देखा कि अच्छा ये इनका सैटर्न सिक्स हाउस में, तो मेरा पहला प्रश्न ये होता है कि मुझे ये बताइए इस साल आपने कोई लेदर के शूज़ वगैरह बाय तो नहीं करे। उनका रिप्लाई डेफिनेटली आता है 98% केस में, हो सकता है कोई बाय में बाद में बाय करे, 6 महीने अभी पेंडिंग है, कि यस बाय कर लिए, उसके बाद कोई परेशानी आई कि यस आई तो है, मैंने कहा ये नहीं करने दे, इमीडिएट डू रेमेडी फॉर सैटर्न सिक्स्थ हाउस। कौन सी कर रही है? अब देयर आर 4 to 5 रेमेडी, तो डिपेंड करता है कि आपने जल प्रवाह वाली रेमेडी करनी है या कोई और रेमेडी करनी है, क्योंकि रेमेडी वहां 3-4 तरह की है, तो रेमेडी कौन सी करनी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको अधूरा ज्ञान है, आपने सिक्स हाउस सैटर्न का वीडियो देखा, उसमें 6 नारियल शनिवार को जल प्रवाह वाली रेमेडी बता रखी है, मगर वो रेमेडी आपको उस साल नहीं कर सकते थे, तो करना क्या था उसकी, फिर ऑल्टरनेट जो रेमेडी है उसको परफॉर्म कर लेना था, तो आप उन चीजों को मैनेज कर लेंगे। यही स्टार्टिंग में आपको पता लग गया कि हाँ भाई ये काम मुझे नहीं करने हैं, तो आपने बिल्कुल उस चीज को लाइन खींच दी कि मुझे ये काम इस साल नहीं करने हैं, और अच्छे फाइनेंस के लिए क्या रिजल्ट, क्या काम करने हैं। किसी का मून 10th हाउस में आ गया, अब मून 10th हाउस में आ गया तो डेफिनेटली फाइनेंशियल क्राइसिस देख ही देगा, क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग रेमेडी करनी है। रेमेडी किस तरह से करनी है सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, क्योंकि आप गोचर से चेक करेंगे, वैदिक के अकॉर्डिंग वर्ष से चेक करेंगे, मैं मानता हूं कि आप कितने एक्सपर्ट हैं, आप रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे कि अच्छा ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, होने वाला तो है, उसको हमने कंट्रोल कैसे करना है। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन, ये बात टॉपिक हमने आज इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं मैसेज करके ये पूछते हैं कि सर वो इतने डिग्री पे है, मैं इतने दिन से मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं किस किस को समझा के सबको थक गए। तो इसीलिए आज ये वीडियो आपका बनाया कि आपको लाइफ में ग्रोथ लेने के लिए एस्ट्रोलॉजी, और आप, मैं समझता हूँ कि जितने लोग समय रहते इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से, चाहे किसी वीडियो के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, दे आर लकी। क्यों? क्योंकि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर की मर्जी से कर रहे हैं। आपके हाथ में 10 रुपए की कोई चीज भी बाय करना नहीं है, एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, ऑल थिंग आर प्लान्ड बाय द गॉड। तो जब सब चीजें ईश्वर ने तय की हुई है, आप उसी डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो करना क्या है, बहुत सिंपल सा है, किसी मेथड को फॉलो कर लीजिए। ये मेथड जो लिखे हैं ये आज की डेट में मोस्ट पॉपुलर है, इसके अलावा बहुत सारे आपका यूट्यूब पे पढ़े देखने को मिलते हैं, कोई अंक ज्योतिष की बात करता है, कोई टैरो कार्ड की बात करता है, और बहुत सारे तरह तरह की बातें होती हैं, कोई तंत्र की बात करता है। सिंपली साइंस को समझना है, दिस इज साइंस, दिस ऑल मेथड आर बेस्ड ऑन साइंस। तो ये साइंस क्या है उसको समझना है। सिंपली हमारे 9 प्लैनेट हैं, बहुत बड़ा कोई वो नहीं है, 9 प्लैनेट को आइडेंटिफाई करना है कि आपके लगन चार्ट के अंदर कौन से 9 में से कौन से शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं। जब आप इस बात को समझ जाएंगे, पिछली जितनी वीडियोस हैं उसमें ये बात बहुत क्लियरली एक्सप्लेन डिफाइन की गई है कि आप अपने प्लैनेट को अकॉर्डिंग टू योर चार्ट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देखेंगे फ्रॉम द बिगनिंग, यू कैन फाइंड द एवरी वीडियो ऑफ एवरी प्लैनेट।
तो वहां पर इजिली सब कुछ बताया गया है कि आपका प्लेनेट अगर इस हाउस में है, 10th हाउस में है, तो 10th हाउस में अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है, खराब भी दे सकता है। तो आपको वहां पे कुछ कॉम्बिनेशन बताए गए हैं, उनको आप चेक करके इजिली समझ सकते हैं कि मेरा ये वाला प्लेनेट अच्छा या खराब है। अब 9 प्लेनेट हैं, अपने 9 प्लेनेट के अकॉर्डिंग वीडियो चेक कर लो, लिस्ट बना लो कि इसमें से 4 खराब हैं और 4 ठीक हैं। अब जो 4 खराब हैं उनके लिए क्या काम जीवन में नहीं करने, उस बात को वहां बताया गया, उसको समझ लो। और जो 4 अच्छे हैं उनसे ज्यादा बेनिफिट कैसे लेने हैं, उसके लिए भी वहां सारी बात बताई गई है, उसको समझ लो। तो उन चीजों को अपने लॉन्ग लाइफ में यानी कि होल लाइफ के लिए एक रूल बना के अप्लाई कर लो और सीधा सा पकड़ लो अपना वर्षफल। वर्षफल क्या कहता है, अपने जन्मदिन से एक महीने पहले अपने वर्षफल चेक कर लो कि इस साल क्या रहने वाला है, इस साल कोई प्रॉपर्टी बाय होगी या नहीं होगी, इजिली यू कैन फाइंड आउट। इस साल आपके हेल्थ इशू रहेंगे, बॉस के साथ झगड़ा होगा, इस साल परिवार में किसी की डेथ होगी या किसी की मैरिज होगी, इस साल आपकी किसी मनोकामना की पूर्ति होगी, या इस साल आपका जो भाग्य है वो सोया हुआ है। केवल इन चीजों को आपने समझना है। अब सोया हुआ है तो उसको जगाना कैसे है, दे आर सिंपली रेमेडी, कर लो परफॉर्म और करके देखिए। आज ये सारी बातें बताने का पर्पस सिर्फ यही है कि मेरी इच्छा हमेशा ये रहती है कि हमारे धर्म के अंदर ईश्वर ने इतनी अच्छी चीज एस्ट्रोलॉजी बनाई हुई है, जो लोग समझ रहे हैं, जो उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, तो ईश्वर पे उनका कहीं ना कहीं आशीर्वाद है। और मैं समझता हूँ कि आप सभी कहीं ना कहीं ईश्वर के आशीर्वाद के द्वारा ही इन चीजों को समझ रहे हैं। तो उस चीजों को आपने लोगों तक पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है, ताकि जितने भी लोग हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं है किसी कॉन्सेप्ट के बारे में कि लाल किताब का कॉन्सेप्ट कितना इजी है, कैसे काम करता है, बहुत लिटिल लिटिल रेमेडी है। अब एक गरीब आदमी है, उसको सिंपली पहले हमें क्या पता रहता था कि जब किसी पंडित जी पे दिखाने गए या हमारी माता जी लेके जाती तो क्या करते थे, इनको पुखराज पहना दीजिए, ठीक है, किसी ने कहा इनको एक कड़ा पहना दीजिए, अब कड़ा पहनाने का लॉजिक तो पंडित जी को पता नहीं है, कड़ा पहना दीजिए, ठीक है कड़ा पहना दिया, कितने ग्राम का पहनाना ये नहीं पता है, वो कड़ा पहना दिया, पुखराज पहना दिया। अब एक मिडिल क्लास आदमी, उसको 40-50 हज़ार रुपये का पुखराज पहनना नॉट पॉसिबल, वो बेचारा पहनेगा ही नहीं, उसी टेंशन में रहेगा कि कब 4 पैसे इकट्ठे करूं, पुखराज के लिए पैसे इकट्ठे करूं, फिर 10-20 हज़ार रुपये का पुखराज पहन खरीद लेगा, वो भी बेचने वाले भी सब चोर बैठे हैं। अरे पुखराज पहनना किस लिए है, पुखराज पहनने से होगा क्या, कुछ नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली लाइफ को समझिए, रेमेडी कैसे काम करती है उसको समझिए, और आई एम श्योर जो रेमेडी आपको बताई गई हैं आप लोग अप्लाई करके देखिए। लाल किताब ऑलवेज वर्क ऑन प्रैक्टिकल थिंग, कि प्रैक्टिकल चीजें हमारे जीवन में क्या घटित होती हैं वो सारे आंसर लाल किताब बता देती है। तो यहाँ पर आपने एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखना है। सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी पूरी फैमिली के चार्ट को आपने ठीक करना है, क्योंकि ऑल चार्ट आर अटैच्ड विद ईच अदर। क्यों अटैच हैं, फादर के चार्ट से, किसी एक व्यक्ति के चार्ट से पूरे खानदान के बारे में आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। कि लड़के का चार्ट है, आफ्टर मैरिज आप उसको बोल सकते हैं कि आपकी वाइफ के हेल्थ इशू रहेंगे, आपके बेटे को सांस से संबंधित कोई शिकायत रहेगी, आपकी बहन बेटी बुआ जीवन में इस कारण दुखी रहेंगी, आपको इस फेसिंग मकान सूट नहीं करेगा, इसमें अगर रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो जब ये चीजें आप इजीली बता सकते हैं, तो आपके चार्ट से जब आप अपनी पत्नी बच्चों के बेटी बुआ सबके बारे में डिफाइन कर सकते हैं, तो उनके चार्ट का इम्पैक्ट आपके भी आता होगा। तो आपने अपनी पूरी फैमिली के चार्ट सामने रख के चीजों को चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग कैसे उनको मैनेज करना, केवल इस बात को समझना है। बहुत छोटी छोटी रेमेडीज हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती बट काम करती हैं। तो होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जितने मेथड हैं उसमें लाल किताब क्यों पॉपुलर है, कैसे काम करती हैं और कैसे रेमेडी इसकी रिजल्ट देती हैं।
बाकी आपको अगर अपना चार्ट चेक करना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके, पूरी प्लेलिस्ट है हर प्लैनेट के अकॉर्डिंग टू कोई कॉम्बिनेशन, यानी कि दो प्लैनेट की अगर युति है उसके ऊपर भी, तीन प्लैनेट की युति है उसके ऊपर भी, उन वीडियोस को जाके आप ध्यान से समझिए। अपनी फैमिली के चार्ट रखिए, जिनकी एज 40-50 हो चुकी है उनके चार्ट पहले चेक कीजिए, जिससे आपको चीजें मोस्टली 99% मैच करती दिखाई देंगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एस्ट्रोलॉजी को लेकर। यस, ये ऐसे काम करती है, और काम करती है तो इसके रेमेडी भी काम करती है, और वो जब सिम्टम्स आपको सारे अपने फैमिली चार्ट पे दिखाई देंगे तो वहां रेमेडी करा के चीजों को ठीक कीजिए, और जब आपको रिजल्ट दिखाई दे देन आपके बच्चे जो भी छोटे हैं उन्होंने पूरे लाइफ को कैसे इंजॉय करना है, उसके लिए उनको क्या चीजें फॉलो करनी है। किसी का मून फर्स्ट हाउस में आपके बच्चे के है, एक्सेलेंट प्लेसमेंट, केवल एक बात ही तो उसको बतानी है कि ग्रीन कलर का इस्तेमाल नहीं करना, बस एक छोटी सी प्रिकॉशन को आपने समझना है और उसको ये समझा दिया कि ग्रीन कलर नेवर यूज इन योर लाइफ, ना घर में कोई आपका सामान हो, ना पेंट हो, ना आपके पास कोई किसी तरह के क्लोथ हो। एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं तो वो सभी वीडियोस में बता रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को सेट कीजिए, अपने बच्चों की लाइफ को ठीक कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।